दिखाता हूँ भाई गाड़ी। ये जो छत वगैरह ना सब खुलती है, तो ये भी खोल के मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो एक आदमी के जैसे पूरी लाइन रुकी हुई है, सब परेशान हो रहे हैं। जो बच्चों वाला स्कूल था वहाँ तो होते नहीं थे एग्जाम्स, अभी ये फर्स्ट क्लास में आया तो इसकी पहली बार एग्जाम है। और तो मना करते हैं ना फॉक्सवैगन वाले भी, अब गाड़ियाँ नहीं हमारे पास, बुक है सब, दिल बदल गए तुम्हारे। भाई मैंने स्पेशल ये लाइट जलाई अपने फ़ोन की ये वीडियो बनाने के लिए, और ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं भाई अगेन सुबह सुबह 6:30 6:30। और आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि विनय रात को ही चला गया था और मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि जो गाड़ी कल मिलनी थी हमें वो आज मिल रही है। तो गाड़ी आ गई है भाई सुबह सुबह, बंदे ने बोला था सुबह 6:30 आ जाऊँगा, आ गया वो 6:30। और नीचे जाके बस गाड़ी रिसीव करके और मैं भी निकल जाऊँगा। और फिर इस गाड़ी को लेके कुछ प्लान्स हैं, वो आप आगे आने वाले व्लॉग्स में देख लोगे। और गाड़ी कौन सी है वो मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। सो फटाफट चलते हैं अपन। बाय जस्पर। बाय, एक ये है बाय करता है बस, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। अन्नू हो गई है बीमार, अन्नू की हो गई तबीयत खराब। चल ठीक है, बाय बाय बाय। चलो भाई फटाफट लिफ्ट बुलाते हैं और फिर चलते हैं। लिफ्ट बुलाना भी महाभारत है भाई यहाँ तो। अब ये 24th फ्लोर पे थी, अभी आ रही है नीचे, तो इसमें ही चलते हैं। तो अब तो मैं दिखाता हूँ भाई गाड़ी। ये आ गई है अपनी गाड़ी ऊपर। क्या हाल है जी भैया, ठीक हो? सो ये गाड़ी हम चलाने वाले हैं अब कुछ दिन तक, तो वह सब शुरू करते हैं अपना सफ़र। सो भाई अब मैं निकल गया हूँ, और अभी थोड़ी देर मैंने गाड़ी की पोस्ट वगैरह डाली, तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। 6:53 हो गए हैं, 6:53 पे मैं यहाँ से निकल गया हूँ। और ये अंदर का इंटीरियर देखिए, जीप रैंगलर रूबीकॉन का है ना भाई, ज़बरदस्त। और ये देखिए, ये पैनल देखेंगे ना ऐसा लगेगा जैसे आप किसी टैंक के अंदर बैठे हुए हैं, मस्त एकदम। और सामने बोनट वगैरह पूरा दिखता है, और ये जो छत वगैरह ना सब खुलती है, तो ये भी खोल के मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ व्लॉग में भी दिखा दूंगा। वैसे तो कारक्वेस्ट पे इसका पूरा एक डिटेल्ड टेस्ट ड्राइव और सब ऑफरोडिंग वगैरह का रिव्यू आएगा, बट फिर भी एक हम ओपन आपको इसका रूफ यहाँ भी करके दिखा देंगे। भाई अब मैं पहुंच गया हूं मुरथल, और नाउ इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक चाय पियेंगे छोटी सी, और फिर आगे निकलेंगे, ठीक है। और मैं मैक्सिमम यहां रुकता हूं भाई, फ्रेंड्स कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, तो यहां अच्छा मिलती है चाय वगैरह। ये देखो ऐसा एक आदमी के जैसे पूरी लाइन रुकी हुई है, सब परेशान हो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से, बट उसको कोई शर्म नहीं है, खड़े हैं सब। पीछे वाले उतर उतर के आ रहे हैं लड़ाई करने। सो भाई अब मैं वापस आ गया था, और अब जा रहे हैं सबरांत की पीटीएम अटेंड करने एक बार, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सबरांत जी पीटीएम पे भी इनको यूनिफॉर्म पहन के जानी होती है, और अब पीटीएम जाएंगे इसकी, पहले रश्मि को लेंगे उसके ऑफिस से, और फिर पीटीएम जाएंगे यार। तो फिर इसका रिपोर्ट कार्ड बताता हूँ तुम लोगों को, इसके पहले ज़िंदगी में पहले बार पेपर हुए हैं, क्योंकि जो प्री स्कूल था इसका, जो बच्चों वाला स्कूल था वहाँ तो होते नहीं थे एग्ज़ाम्स, अभी ये फर्स्ट क्लास में आया तो इसकी पहली बार एग्ज़ाम हुए हैं। और मैं सारे व्लॉग वाले बंदों को जो हमारे व्लॉग देखते हैं उनको इसका रिजल्ट दिखाने वाला हूँ, ठीक है भाई। A few moments later. Finally, सबरांत का रिजल्ट देख लिया है, और सबरांत हो गया है पास। पास पास का मतलब अच्छे नंबर आए भाई, इसके 91% नंबर है, बता दिया मैंने सबको, और ठीक है भाई, अच्छा है, अब इसको गिफ्ट मिलेगा। सो भाई अभी सबरांत
को लेके मैं जा रहा हूँ गिफ्ट शॉप और इसको दिलवाएंगे गिफ्ट। इसका अच्छा रिजल्ट आया है। वो तो इसका एक पेपर में तबीयत खराब थी तो वो थोड़ा पेपर इसने ऐसे ही किया, लेकिन उसमें भी फिर भी इसके अच्छे मार्क्स थे। तो वो अगर ठीक हो जाता ना तो बस 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 मज़े ही आ जाते। क्यों सुप्रांत? तो अब इसको दिलवाऊंगा मैं गिफ्ट एक छोटा सा। ओके बता भाई क्या लेगा? हैं छोटा सा गिफ्ट लेना है, बड़ा नहीं लेना, ठीक है? ध्यान तो थोड़ा सारा बड़े बड़ों पे है। तो भाई फाइनली सुप्रांत ने ले लिया है गिफ्ट। और दिखा भाई अपना गिफ्ट, दिखाइए क्या लेके आया है। ये लेके आया भाई रिमोट वाली गाड़ी। इतना बड़ा हो गया अभी भी, लेकिन इसको शौक है गाड़ियों का ना, तो रिमोट वाली गाड़ी लेके आया है ये। और कौन सी गाड़ी है ये? लैम्बोर्गिनी यूरस। सो लैम्बोर्गिनी यूरस लेके आया है अभी। अब ये इसको चलाएगा और सेल लेके आएगा अपने बाबा के साथ जाके, ठीक है? सेल की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। ओके तो भाई अब हम कहीं मिलने जा रहा था ये गगन के साथ, तो मिलने जा रहे थे उससे, और मेरे मना करते करते इसने नीचे उतार ली और अब हम जाम में फंस गए हैं। और अभी अपनी गाड़ी बेचने में लगा हुआ है। ये बात है, पूरा मना करते हैं ना फॉक्सवैगन वाले भी अब कि गाड़ियां नहीं हमारे पास, बुक है सब। दिन बदल गए तुम्हारे? गाड़ी नहीं है, सॉरी सॉरी ब्रो। दिन बदल गए तुम्हारे? तुम्हारे पे गाड़ी होती थी बस, तुम्हारे पास गाड़ी होती थी, तुम्हारे पे डिस्काउंट भी होता था। आवाज सुन रहे टायरों की? भाई इसमें दिक्कत पता क्या है, इसमें ना ऑल टेरेन टायर नहीं दे रखे, सिर्फ ऑफ रोडिंग टायर दे रखे हैं गाड़ी में, मोटी मोटी गट्टी वाले, इतने मोटे मोटे गट्टी हैं। वो हाईवे पे ना ऐसे आवाज करते हैं, बाकी म्यूजिक चला के ठीक हो जाता है। म्यूजिक तेरी कसम, यहाँ स्पीकर है ना तो एक नंबर की आवाज़ आवे कन्नो मनु म्यूजिक की मस्त। हेलो भाई, अब मैं तुम्हें ना एक बहुत ही खास बंदे से मिलाता हूँ। ये अमरिंदर सरदार, ये फीएट में मेरे और विनय के साथ था, और भाई एक नंबर का बंदा है ये भाई। इसकी एक ही कमजोरी है, ये देख बर्गर, हमने इसे बर्गर खाता हुआ पकड़ा। बर्गर वाले पे बस ये एक, हाँ सिर्फ इसी बर्गर वाले पे खाता है, और ये यहाँ पकड़ा हमने इसे। क्या आदमी जादू है ये भाई, बड़ा सही बंदा है। इससे अगर कोई मिल लिया ना वो इसको भूलता नहीं कभी। थैंक यू जी, थैंक यू। अब तुमने व्लॉग में मैंने तुम्हें दिखा दिया, भूल ना जाना इसको। 150 बंदे याद रखना। चलो भाई जा रहा है अब इसको जीप को लेके, आज विनय ले जाएगा और मैं अभी नवीन के साथ जाऊँगा। नवीन की गाड़ी सर्विस हो रही है यहाँ पे, तो ये सर्विस बस फ्री होने वाली है, उसके बाद अपन जाएंगे सीधा मधुबन दोबारा। सो भाई मैंने स्पेशल ये लाइट जलाई है अपने फ़ोन की ये वीडियो बनाने के लिए, और ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि ये नवीन है, ये नवीन की गाड़ी है, और ये देखो आगे वाली सीट खाली है। सामान रख रखा है क्योंकि ये मेरे को पीछे बैठाया हुआ है, किसलिए बैठाया हुआ है वो भी दिखा देता हूँ भाई, रुको एक सेकंड। ये जो दरवाजा है इसका, ये देखो बंद नहीं हो रहा भाई, ये पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, पर ये अब बंद नहीं हो रहा। एक मिनट यार, हाँ तो ये बंद नहीं हो रहा भाई, तो मेरे को पीछे बैठ के पकड़ के रखना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन में हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, ठीक है? और अब मुझे लग रहा है कि ये व्लॉग जो है ना वो फिनिश कर देते हैं, लेकिन जाके सुप्रांत से मिलके फिर करेंगे।